वेरवीना को आप दो तरीके से लगा सकते हैं पहला है कि स्प्रिंकल करके और दूसरा तरीका जो कि मैं अभी लगा रहा हूँ ठीक है ना तो ये दोनों तरीके कारगर है तो गाइज हम इसे ही आज लगाने वाले हैं कोकोपीट में और हम इसे बताएंगे कि सीड से कैसे ग्रो करते हैं हमारे पास ये सीड हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सीड है आप कहीं से भी सीड ला सकते हैं वैरवीना के और इसे लगा सकते हैं ये मैं आपको बता दूं कि एक विंटर फ्लावर है जिसे कि आप जून से स्टार्ट करेंगे लगाने के लिए ठीक है और करीब हार्डी प्लांट भी है थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है फिर भी हम आगे वीडियो में आपको बताएँगे तो सबसे पहले हम एक एक करके जिसमें है आप स्विंग मेथड से भी इसे लगा सकते हैं या फिर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं ठीक है ना अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंगल सिंगल सीड है मैं इसे लगा रहा हूँ क्योंकि अच्छी क्वालिटी की सीड है तो हमें आई थिंक अच्छी जर्मिनेशन होनी चाहिए फिर भी अगर फिफ्टी परसेंट हो जाए तो काफ़ी है ठीक है अब बची हुई सीड्स को हम रख लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से पैकिंग करना है आपको अब हम इसे क्या करेंगे कोकोपीट से हल्का हल्का ढक देंगे जल्दी जल्दी से हम इसे ढक लेते हैं तो दस दिनों के बाद का ये अपडेट है और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से सारे सीड्स बाहर आ चुके हैं ओवरऑल सारे नहीं आए हैं लेकिन जितनी हमें उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि ज़्यादा पौधे भी हो जाएंगे तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊँगा ठीक है और बहुत ही छोटे छोटे पौधे हैं यार मैंने इस तरह सा मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने छोटे छोटे आएंगे ये देखिए ये कितने छोटे हैं ये भी अभी छोटा है मतलब तो वो बाद से मतलब तो थोड़ा लेट आ रहा है लगता है उसे पता ही नहीं था कि हमें भी आप बाहर आना है ठीक है तो ये लोग बाहर आ रहे हैं खैर छोड़ो मैं आपको देखिए नज़दीक से दिखा देता हूँ कि वो भी छोटा सा है वो भी बाहर आ रहा है लगता है भूल गया था इधर आने के लिए तो लोगाइज अब हम इसे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं पंद्रह दिनों के बाद इस डिस्पोजल ग्रास में और हमने जो मिट्टी बनाई है उसमें जो है थर्टी परसेंट काउडन कम्पोस्ट दैन उसके बाद हम मिट्टी का प्रयोग किए वो गार्डन सॉयल जो मिट्टी होती है यानी कि गार्डन वाली मिट्टी उसका ही हम प्रयोग किया नॉर्मली और उसमें हमने कुछ भी नहीं मिलाया है और सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ सीवीट का प्रयोग किया है अदरवाइज कुछ भी नहीं प्रयोग में किया जैसा कि अभी देखिए हम सीवीट का ही फिर से प्रयोग करने वाले हैं स्प्रे के रूप में ठीक है ना और यहाँ पर हम देखे, आ गया ये देखिए तो गाइज ये जो है लिक्विड सीवीट फर्टिलाइजर है ठीक है ना जिसे आप बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट या एमेजन पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं बहुत ही अच्छा होता है और इसमें हर तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं इससे रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो भी है हमने जो वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है और अब हम इसे क्या कर सकते हैं हल्का हल्का सा स्प्रे करेंगे इसकी खास बात क्या है ना कि इसका कोई डिसवान्टेज नहीं है ठीक है ना डिसअ अनवान्टेज नहीं है कि इसके देने से किसी भी तरह के पौधे में कोई नुकसान होगा है ना बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि सही समय पे सही प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है तो अभी तक का रिजल्ट तो आप देख सकते हैं इसे हमने चार इंच के ग्लास में ट्रांसप्लांट कर रखा है और आगे हम ट्रांसप्लांट करेंगे इसे छः इंच के ग्लास में सो so, हेलो दोस्तों तो गाइज अब हम इसे ट्रांसप्लांट कर चुके हैं छः इंच के पोर्ट में और यहाँ पे हमने जो मिट्टी बना रखी है उसमें टेन परसेंट राइस हस्क के साथ फोटी परसेंट काउडन कम्पोस्ट थोड़ी सी रेत उसके बाद फिर हमने और नीम खली वगैरह और मिट्टी वगैरह का प्रयोग किया है और हमने इसे बना रखा है क्योंकि इससे क्या होगा कि हम बार बार जो है ना वो ऐसे तो इसमें अभी किसी प्रकार की कोई बीमारी या फिर कोई फंगस वगैरह नहीं लगा है डिसीज़ नहीं आई है फिर भी आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं सीवीट का प्रयोग तो मैं ऑलरेडी करता हूँ और आप बीस दिनों में एक बार इप्सम साल्ट का प्रयोग जरूर करें तो ये देखिए हमने इससे कुछ दिन पहले इसे लगा रखा था ये एक पौधा हमारे पास है गैरवीना की और काफ़ी देखिए इसमें हमने कोई भी कटिंग वगैरह नहीं की थी और ये खुद से फैल चुका है और काफ़ी अच्छे फ्लावर आ चुके हैं तो गैज अब तक के सफ़र में हमने इसे क्या क्या दिया है इसके बारे में तो मैं आपको पहले से ही बता रखा हूँ कि हर पंद्रह दिनों में आपको आ, किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है जैसे कि आप मस्टर्ड केक का प्रयोग कर सकते हैं 200 ग्राम 20 लीटर पानी में और 100 सौ एम पर प्लांट के हिसाब से आप इसे दे। दें सीवीट का प्रयोग हर पंद्रह दिनों में आपको एक बार करना है बीस दिनों में आपको एपसम साल्ट का प्रयोग करना है और हफ्ते में नीम ऑयल का प्रयोग जरूर करना है ठीक है ना अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की डिसीज़ आ गई है तो किसी नज़दीकी सेलर से जा के दवा ले आए सो गाइज अब हम आपको बताने वाले हैं कि पंद्रह दिनों के बाद यानी कि फिर आफ्टर पंद्रह दिनों के बाद ये देखिए इसमें फ़्लावर आने स्टार्ट हो चुके हैं आप क्या करना है आपको इसी में किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं करना है स्प्रे करने से क्या होगा कि आपके सब फ्लावर इतने सुंदर सुंदर फूल हैं वो क्या होंगे ख़राब हो जाएंगे पानी पानी के कारण है ना तो गाइज लास्ट वीडियो रहेगा हमारा यानी कि लास्ट शूट रहेगा और यहाँ पे देखिए इतने सारे फ्लावर आ चुके हैं जब बाकी बचे फ्लावर्स थे उसे हमने सेल कर दिया और सबसे फेवरेट मेरा जो वाइट कलर का फ्लावर है जो कि हमने अभी रखा है और इसे बम्बू स्टिक से हमने इसे बहुत ही अच्छे से समेट के रखा है क्योंकि सारे फैल गए थे और अभी तक हमने इसमें किसी प्रकार की कोई, कोई पिंचिंग नहीं की थी जिसके कारण ऐसा हुआ आप इससे भी अच्छा गुलदस्ता बना सकते हैं और वीडियो कैसा लगा और हाँ गाइज पानी समय समय पर देना है इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अगर कोई क्यूरी हो कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय बाय देन टेक केयर हैप्पी गार्डनिंग